Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे पनीर रोल और जिसे पनीर शोरमा भी कहते हैं। एक कप दही लेंगे जिसको पहले मैंने मिक्स करके रखा था। उसमें लेंगे एक स्पून सॉल्ट, एक स्पून लाल मिर्च, आधा स्पून हल्दी और एक स्पून तंदूरी मसाला। इसको हम अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने लिया 250 ग्राम पनीर जिसको मैंने क्यूब्स में कट करके रखा था। अब वो हम इसमें डालेंगे और इसको मैरिनेट करने के लिए रखेंगे। जब तक ये मैरिनेट होगा तब तक हम पराठा बनाएंगे। उसके लिए मैंने डो पहले ही रेडी करके रखा था। हम एक रोटी बेलेंगे, फिर चाकू से इसको लाइंस में कट करेंगे। फिर ब्रश से इसको घी लगाएंगे। अब हम इसको रोल करेंगे। रोल करने के बाद हम इसको राउंड शेप देंगे। अब वापस से हम रोटी बेलेंगे। अब हम पराठे को तवे पे सेकेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद हमें इसको ज्यादा नहीं सेकना है ताकि ये हार्ड ना हो जाए। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें एक स्पून ऑयल डालेंगे। अब जो हमने पनीर मैरिनेट करने के लिए रखा था वो इसमें डालेंगे। पनीर को हम एक दो मिनट ऐसे ही फ्राई करेंगे। अब इसमें डालेंगे एक स्पून चिली गार्लिक पेस्ट का, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद हम लेंगे एक कैप्सिकम स्लाइसेड, 3 चिली स्लाइसेड, 1 टमेटो स्लाइसेड और 1 ओनियन स्लाइसेड। आप इसमें कोई सी भी सब्जी ले सकते हो जो आपको पसंद है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद लो फ्लेम पे हम इसको 10 मिनट ऐसे रखेंगे। उसके बाद हम इसको फिर से मिक्स करके गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे। अब हमने जो पराठा रेडी किया था उस पे हम ग्रीन चटनी अच्छे से स्प्रेड करेंगे। आप अपने पसंद की कोई सी भी चटनी ले सकते हो। फिर हम लेंगे पनीर का मिक्सचर, उसको सेंटर में डालेंगे। उसके बाद लेंगे हम कुछ ऑनियन स्लाइसेस। अब मैंने लिया है टमाटो केचप, आप मेयोनीज भी ले सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से। इसको अच्छे से रोल करेंगे। रोल करने के बाद हम रैपिंग पेपर लेंगे और इसको रैप करेंगे ताकि फिल्म बाहर ना आए। अब हमारा पनीर रोल रेडी है सर्व करने के लिए। कमेंट्स में बताइएगा आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।